Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and this is the second video about noun. In the previous video, humne noun ko introduction ke taur par rakha ke noun shabd French aur Latin word nomen se liya gaya hai, jiska matlab hota hai naam dena, isliye noun is a naming word. And noun can be classified into concrete, thos taur par jinko sense kiya ja sakta hai, aur abstract jinko sense nahi kiya ja sakta, sirf dimag ki upaj se produce kiya ja sakta hai. और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको सारा डिस्क्रिप्शन नाउन के बारे में मिल जाएगा. नाउन इंट्रोडक्शन टाइप वन पार्ट वन, दिस इज द सेकंड वीडियो. और एक बार वापस कहूं कि नाउन के टाइप्स को शायद हम ऐसे याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा. रोड पर चलता हुआ कोई भी इंसान जब नजर आ सकता है तो वो नाउन है. उसका नाम प्रॉपर नाउन, चूंकि वो लड़का या लड़की होगा ये कॉमन शब्द है, कॉमन नाउन. उसकी शर्ट बहुत प्यारी थी, मटेरियल नाउन. वो चार लोग साथ में थे, कलेक्टिव नाउन. और उसका बिहेवियर, लहजा, एटीट्यूड एंड ऑल दीज थिंग्स इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जरा देखते हैं आगे कि नाउन में कॉम्पिटिटिव पर्पस से क्या रूल्स और रेगुलेशंस बन सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर नाउन फर्स्ट. प्रॉपर नाउन, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, प्रॉपर अपने आप में अपनी आइडेंटिटी अलग रखती है, यूनिक रखती है. मेरे शहर में और शायद भारत में कई जगहों पर ऐसा पढ़ाया जाता है कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल ले सकती है. ऐसा नहीं है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल की नीड नहीं रखती है बिकॉज वो खुद प्रॉपर है. हम में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली सबने पढ़ा है कि डेफिनेट आर्टिकल लगाने से किसी अनिश्चित चीज को निश्चित बनाया जाता है. वी मेक समथिंग डेफिनेट, जैसा कि उसका खुद का नाम है डेफिनेट आर्टिकल, तो वो डेफिनेट बनाने का काम करता है. आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं इंडिया शब्द का इस्तेमाल करूं तो भारत को आप क्या डेफिनेट बनाएंगे? भारत पहले ही विश्व का इकलौता देश है जिसका खुद का नाम अपने आप में प्रचलित है. हाँ, अगर शहर शब्द की बात होती, कंट्री, उसे डेफिनेट बनाया जा सकता है बिकॉज पता नहीं कौन से देश की आप बात करना चाहते हैं, कौन से शहर की बात करना चाहते हैं. तो ऐसे शब्दों को जनरली डेफिनेट बनाया जाता है. लेकिन अगर किसी देश का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी इंसान का नाम है, प्रॉपर नाउन डेफिनेट नहीं बनाई जाती. पहला रूल है, डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन. नाम के पहले आर्टिकल कभी भी नहीं लगाया जाता. अगर हम ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि टीचर्स तक पढ़ा देते हैं द यूएसए नाम के पहले आर्टिकल है, ऐसा नहीं है. डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप आर्टिकल्स के चैप्टर में देखिएगा. मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको फिर भी ऑब्जेक्शन है तो आप अपना मत रख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता. वी'ल हैव अ लुक एट दैट. द नेदरलैंड्स नाम के साथ आर्टिकल है, ऐसा नहीं है. द यूके, द यूएसएसआर, द फिलीपींस, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आर्टिकल रखते हैं, जो किसी देश का नाम है, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ खास बात जुड़ी हुई है, इसीलिए इनके साथ आर्टिकल्स आते हैं. नाम के साथ ना आर्टिकल कभी था, ना है और ना कभी होगा. हमें से कुछ लोग गलत पढ़ते हैं या पढ़ाते भी हैं टीचर्स के द कपिल शर्मा शो, तो भाई जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके साथ आर्टिकल आ जाता है, द कपिल शर्मा शो. आप गलत पढ़ाते हैं सर. द मोदी गवर्नमेंट, द विराट कोहली टीम, ऐसे एग्जाम्पल्स. और या फिर आप कैसे मना कर सकते हैं कि नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता? हमने कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स पढ़े हैं. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर के साथ आर्टिकल लगा दिया बिकॉज वो महान थे. ये सारे गलत डिस्क्रिप्शन है. अगर ऑब्जेक्शन है, अगर आपके पास रेफरेंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए. लेकिन नाम के साथ आर्टिकल ना आता था, ना है, ना कभी आएगा. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन जनरली कालिदास इज द शेक्सपियर, यहाँ शेक्सपियर नाउन तो है, प्रॉपर नाउन नहीं है. जरा कुछ बेसिक्स के साथ देखें. हमारे यहाँ एक शब्द और कहना चाहूं, ये कुछ गलतियां जो पढ़ाई जाती है उनमें से ये भी है कि हमें ऐसे रटवाया जाता है, ऑनेस्ट के साथ कौन सा आर्टिकल आता है? तो बच्चा बचपन से रटा हुआ पढ़ता है ऑनेस्ट के साथ ए और एन. देखिए उसका जो साउंड है, ये टीचर्स के वर्ड्स बोल रहा हूं, वो एच से नहीं बनता. एच वहां साइलेंट है, ओ से साउंड बनता है. तो ऑनेस्ट, चूंकि वह अ और ओ मात्रा रखता है, इसलिए उसके साथ एन आ जाता है. माफ कीजिए, ऑनेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता. आपको सुनने में मेरे सारे शब्द उल्टे लग रहे होंगे, बट आई एम करेक्ट. एक बार वापस एनालाइज कीजिएगा जो आपने सुना. ऑनेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता बिकॉज ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है. अगर लगा सकते हैं तो लगाकर देखिए, शी इज ऑनेस्ट. रखिए जरा ए ऑनेस्ट और एन ऑनेस्ट. वुड यू से शी इज एन ऑनेस्ट? नो. लेकिन हाँ, अगर उसके बाद एक नाउन प्लेस कर दी जाती है, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट पर्सन, देन यू कैन प्लेस एन आर्टिकल लाइक शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. तो आर्टिकल्स अपने नाउन के साथ आते हैं, बिना नाउन के आर्टिकल्स नहीं रखे जा सकते. ठीक वैसे ही जैसे शी इज ब्यूटिफुल सही है, या शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो आर्टिकल गर्ल के साथ है, ब्यूटिफुल के साथ नहीं. आई रिपीट,
आर्टिकल गर्ल के साथ है, ब्यूटीफुल के साथ नहीं है। अगर वहां से गर्ल शब्द को हटा लिया जाए तो आर्टिकल प्लेस नहीं होगा। अगर आप समझे इस बात को तो प्लीज, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन आर्टिकल का आर्टिकल के चैप्टर में रखना चाहूंगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे जो लोग ये सोचते हैं कि द कपिल शर्मा शो में आर्टिकल कपिल के साथ है बिकॉज वो सेलिब्रिटी है, ऐसा नहीं है। वो आर्टिकल शो के साथ है। भाई जैसे छोटे से एग्जांपल में रखना चाहूं, मुझे एक शो बहुत पसंद है। कौन सा शो? आई लव द शो। अब कौन सा शो है? तो वो शो भाई इनका हो सकता है, इनका हो सकता है, उनका हो सकता है। वो कपिल का शो है। कपिल वहां एडजेक्टिव है। अब इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन अभी नहीं देना चाहूंगा, ना मैंने एडजेक्टिव पढ़ा है ना आर्टिकल्स, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कपिल शर्मा शो में जो आर्टिकल लगता है वो शो के साथ है। द कपिल शर्मा कपिल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। सिमिलरली अखबारों के कई पोस्ट में हम पढ़ते हैं द विराट कोहली टीम, तो यहां पर कोहली के साथ आर्टिकल नहीं है, उस टीम के साथ आर्टिकल है। जब आप सुनते हैं कि द मोदी गवर्नमेंट, आर्टिकल गवर्नमेंट के साथ है। मोदी के साथ कभी आर्टिकल न था, न है, न कभी होगा। कभी दिखे तो मुझे भी दिखाइएगा प्लीज। जरा उसी सोच में कि बच्चों को रटवाया जाता है कि ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल लग जाता है। ऑनेस्ट के साथ में कभी आर्टिकल लग सकता था, ना है, ना कभी होगा, बिकॉज ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक वैसे ही अभी मैं प्रॉपर नाउन्स पर आऊं तो द सेम डिस्क्रिप्शन आई एम गोइंग टू गिव यू। प्रॉपर नाउन कभी आर्टिकल नहीं ले सकती। जो चीज खुद में प्रॉपर है, जरा सोचिए वो कहां से आप प्रॉपर और डेफिनेट उसे बना सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। एक छोटे से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहूं। एग्जाम में आर्टिकल इतने अच्छे से रटा दिए जाते हैं कि हम साउंड देखा और आर्टिकल रख देते हैं। जरा इसमें कोशिश कीजिए, वी लिव इन ब्लैंक स्पेस इंडिया। अगर यही मैंने ऑनेस्ट लिखा होता तो हम में से 90% लोग इसमें एन लगा चुके होते, बिना ये चीज देखे कि वहां आर्टिकल की नीड भी थी या नहीं। शायद आप मेरी बात समझे हो और आपको ठीक लगा होगा कि हाँ, बचपन से जो माइथोलॉजी हमने बना रखी थी कि ऑनेस्ट के साथ एन आता है, वैसा नहीं है। ठीक वैसे ही किसी छोटे से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया और मेरे ही खुद स्टूडेंट्स ने कहा कि सर देखिए उसका साउंड ए से था, एन से था, इसलिए हमने वहां पर ये लगा कर आ गए। माफ कीजिए भाई, यहां पर किसी आर्टिकल की नीड नहीं है। क्या आप कहते हैं कि वी लिव इन ए इंडिया? सर ये तो वैसे भी नहीं आएगा। देखो आई साउंड है बिकॉज यहां पर कॉन्सोनेंट नहीं है, वाउल साउंड है, इसीलिए एन रखा जाता है। लगा लीजिए जरा, वी लिव इन एन इंडिया। हम में से कुछ महारथी ऐसे भी होंगे जो यहां पर द लगाकर आ जाएंगे बिकॉज हमने नाम रट रखे हैं। देशों के नाम के साथ आर्टिकल आता है, द यूएसए, द नेदरलैंड्स, द यूके, द यूएसएसआर, द फिलीपींस एटसेट्रा, बट डजंट मैटर। नाम आर्टिकल न ले सकता था, न है, न कभी होगा। उन सब का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बाद में बताना चाहूंगा आर्टिकल्स के चैप्टर में। तो प्लीज ऐसी कोई गलती हम ना करें कि जबरदस्ती उसमें ऑप्शंस पुट करके आते हैं। इंडिया बीइंग अ प्रॉपर नाउन आर्टिकल की नीड नहीं रखती। आई होप सो, मैंने बार बार एक ही लाइन को कहा है, शायद आप समझें और ध्यान रखें। डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता बिकॉज वो खुद ही डेफिनेट है। हाँ, अगर लड़का कहना होता तो मैं आर्टिकल लगा सकता था। हाँ, अगर एक शहर कहना होता तो आर्टिकल लग जाता। अगर ऑलरेडी राहुल लिखा हुआ है तो फिर राहुल के साथ आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी इंडिया है, जयपुर है, उस केस में उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। तो प्लीज मेमोराइज द वेरी फर्स्ट थिंग, डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। किसी भी नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। तो आई होप सो, आपका भी आंसर मेरे साथ यही है कि यहाँ ना ए रखें, ना एन रखें, ना द रखें, ना दी रखें, लेकिन प्लीज यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मत रखिएगा। वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री, नॉट दी इंडिया और एन इंडिया इज माई कंट्री। लेकिन हाँ, लैंग्वेज में आगे आप देखते रहेंगे किसी भी चीज को एक धागे में पिरोना असंभव है। लाइक वॉट? अगर आप ये कहते हैं कि ये हमेशा प्रॉपर नाउन रहेगी या इंडिया के साथ कभी आर्टिकल नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। एक भाषा में उस शब्द का काम किस तरह किया गया है कि वो सेंटेंस दिखाता है। मैं जरा एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल यूज किया था कि राहुल प्रॉपर नाउन है। आप भी जानते हैं राहुल किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन रहेगा, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं दो राहुल हमें फेमस है, एक राहुल गांधी और एक राहुल द्रविड़। अब मैं आपसे अगर कहूं कि लाइफ अगर आपको अपॉर्चुनिटी देती है तो प्लीज राहुल बनिएगा, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं भाई कौन सा राहुल बनना है, राहुल गांधी या राहुल द्रविड़। इन द सेम फॉर्मुलेशन किसी भी सेंटेंस में किसी प्रॉपर नाउन को, ग्रामेटिकल शब्द है, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन बिहेव कराया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे हमारी सोसाइटी में हम हिंदी में शब्दों का उच्चारण करते हैं। जरा हिंदी के एग्जाम्पल्स देखिए भाई, वो तो राम है। किसी का नाम राम रख देने से वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो जाता। अगर हम किसी को राम रिफ्लेक्ट करते हैं तो जरूर उसकी मर्यादा के लिए। भाई तुम खुद को हरिश्चंद्र समझते हो, तो किसी को अगर हरिश्चंद्र कहा तो शायद उसका नाम हरिश्चंद्र नहीं होगा, जी हाँ, वो सत्यवादी कहा जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि आज तो घर घर में रावण है,
तो इस रावण का मतलब एक इंसान नहीं होता कि चार बच्चे अगर घर में पैदा हुए तो एक बच्चे का नाम रावण रख दिया। जी नहीं, रावण बुराइयों के प्रतीक को माना जाता है। तो जब हम किसी को रावण कहेंगे वो उसकी बुराई को रिफ्लेक्ट करता है। इन द सेम फॉर्मुलेशन जितने नाम महान होते हैं, या कहिए जो इंसान महान होता है वो अपने नाम से नहीं, वो अपने काम से महान होता है। इसीलिए शेक्सपियर को अगर आज याद किया जाता है तो उनके बहुत प्यारे से नाम के लिए नहीं कि कितना प्यारा नाम है यार शेक्सपियर, वाओ, नहीं, शायद उन्होंने लिटरेचर में जितना सब कुछ किया, जो वर्क्स उनके थे, उसके लिए शायद उन्हें याद किया जाता है। और जैसे विश्व में शेक्सपियर प्रचलित हैं, वैसे ही भारत में कालिदास का नाम प्रचलित है। इसीलिए जब मैं ये कहना चाहूं कि विश्व भर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस शेक्सपियर की रखी गई, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो कालिदास भारत के सबसे अच्छे कवि कहे जा सकते हैं। अगर और देशों में देखिएगा तो और भी अच्छे कवि रहे होंगे, किसी और देश में कोई और, किसी और देश में कोई और, तो यहां पर कालिदास शेक्सपियर एक नहीं बचे, शायद बहुत सारे हो गए। जरा छोटे से एग्जांपल से देखें, जैसे हम लोग भी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं और किसी ने बैट पकड़कर आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं फर्स्ट बैटिंग मेरी रहेगी, अरे बड़ा आया सचिन बनता है, खुद को विराट कोहली समझते हो, तो जब खुद को विराट कोहली कहना चाहा तो विराट कोहली उनका नाम नहीं है, लेकिन जो नाम से, जो काम से विराट कोहली फेमस हैं, वो भी वही काम करना चाहता है। तो विराट आज अपने नाम से नहीं, अपने काम से फेमस है। भैया आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप तो बिल्कुल लता मंगेशकर हैं, तो क्या इनका नाम लता मंगेशकर है? इनका नाम नहीं, शायद इनकी क्वालिटीज लता जी से कंपेयर की जा सकती है। सेकंड रूल, यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज एज अ कॉमन नाउन। आई रिपीट, यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज एज अ कॉमन नाउन। किसी नाम के साथ आर्टिकल आ सकता है बशर्ते वो वहां पर प्रॉपर यानी कि एक आइडेंटिटी ना रखे, कॉमन बिहेव करे, जगह जगह के जब हम लोगों को सेपरेट कर देते हैं तब उस केस में नाम के साथ आर्टिकल लगाया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे हम एग्जाम्पल रखते हैं कि स्वर्ग शायद बहुत सुंदर जगह कही जाती है और भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी कोई स्वर्ग होगा, इंग्लैंड का भी कहीं स्वर्ग होगा, यूएस का भी कहीं स्वर्ग होगा। अब एक स्वर्ग इनका, उनका, उनका एक वो वाला, पांच छह स्वर्ग हो गए, हर देश का अपना अपना खुद का स्वर्ग है। अब स्वर्ग प्रॉपर नाउन नहीं है, अब यहाँ पर स्वर्ग, जी हाँ, कॉमन नाउन है। इसीलिए यहाँ पर इस कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाया जा सकता है। एंड वी से कश्मीर इज द हेवन ऑफ द अर्थ, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और व्हेन वी से स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब द स्विट्जरलैंड, कि स्विट्जरलैंड यहाँ उस देश का नाम नहीं है, जी हाँ, उसकी सुंदरता को रिफ्लेक्ट करता है। तो जरा कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देखते हैं जहां पर कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल रखकर कॉमन बिहेव करने लगती है, ना कि प्रॉपर बिहेव करती है। आज अगर मैं अपनी टीम में कहना चाहूं तो मेरे साथ भी एक विराट कोहली खेलते हैं जो नाम से कोहली नहीं, बहुत अच्छे बैट्समैन है। भाई यहाँ पर कोहली हो सकते हैं, कोई दिल्ली में भी कोहली रहे होंगे, कोई भोपाल में रहे होंगे, चेन्नई में होंगे, बैंगलोर में होंगे। अब एक कोहली वो, एक दिल्ली, भोपाल, इधर उधर, ऑस्ट्रेलिया में अलग कोहली कह दिया बिकॉज वो बैटिंग बहुत अच्छे करते हैं। सरफराज को भी पाकिस्तान में कोहली का दर्जा दिया गया था, तो वो कोहली उनका नाम नहीं था, शायद उनके बैटिंग स्किल्स के लिए दिखाया गया। यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अगर कोई भी नाउन प्रॉपर ना होकर कॉमन बिहेव करे, जब अपनी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करती है, तो वहां पर उसके साथ आर्टिकल लगाया जा सकता है। जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आपसे कहा कि डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन, नाम के साथ आर्टिकल ना लगाएं, और यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जब किसी की क्वालिटी किसी से कंपेयर करनी हो, यानी कि उस प्रॉपर नाउन को अपने नाम के लिए नहीं, कॉमन अपने काम के लिए बिहेव कराया जाए, तब वहां पर आर्टिकल रखा जा सकता है। Have a look at the first example. कालिदास is the Shakespeare of India. अगर हम अभी भी उसी इमेज में हैं कि यहाँ शेक्सपियर के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, उस इंसान के फेमस होने पर, सेलिब्रिटी होने पर या ईटीसी, तो अल्लाह मालिक है आपका, लेकिन जनरली यहाँ पर आर्टिकल उनके नाम के लिए नहीं, यहाँ पर उनके काम के लिए आर्टिकल है। शेक्सपियर जिसको दुनिया याद करती है उनके साहित्य के तौर पर, तो दिए गए सेंटेंस में कालिदास उनका नाम था, कालिदास यहाँ पर अपनी प्रॉपर नाउन बिहेव करेगी, लेकिन हाँ उनकी क्वालिटीज किसी से कंपेयर की गई हैं, और शेक्सपियर यहाँ अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए फेमस हैं। तो जो आर्टिकल आपने प्लेस किया है वो शेक्सपियर एज अ कॉमन नाउन के लिए प्लेस किया है। जब कहा जाएगा कि दिस बुक, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से भाई हैमलेट किसने लिखी थी, तो यू कांट से कि हैमलेट वॉज रिटन बाय द शेक्सपियर। अगर कभी दिख जाए तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, ना, इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। यहां शेक्सपियर अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए याद किए गए हैं।
Similarly, when we say Prabhu Deva is the Michael Jackson of India, तो हम सब जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छे डांसर माइकल को याद किया जाता है, और वही सबसे अच्छे डांसर भारत के देखे जाएं, तो शायद प्रभु देवा हैं। तो इन जनरल जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो पाया कि विश्व के सबसे अच्छे डांसर जो माइकल थे, वो अपने डांस के लिए फेमस थे, और भारत में डांस के लिए प्रभु देवा फेमस हैं। तो यहाँ पर प्रभु देवा, चूंकि उनका नाम है, we say प्रभु देवा is a proper noun। और माइकल को यहाँ अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए याद किया गया है। तो माइकल जैक्सन यहाँ कॉमन नाउन है, और जो आर्टिकल आपने प्लेस किया है वो उस कॉमन नाउन के साथ है, ना कि किसी के नाम के साथ। टू रिप्रेजेंट डांसिंग स्किल्स, टू रिप्रेजेंट योर राइटिंग स्किल्स ऑफ योर लिटरेचर और द वर्क्स यू हैव डन। सिमिलरली इफ आई से कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर यहाँ किसी जगह का नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, आप तो यही पढ़े थे, वैसे हमने कुछ और भी देखा पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा हो जरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें इंट्रोडक्शन नाउन का दिया गया है। और व्हेन वी से कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो जी नहीं, यहाँ स्विट्जरलैंड अपने नाम के लिए नहीं, अपनी सुंदरता के लिए दिखाया गया है। स्विट्जरलैंड बिहेविंग एज अ कॉमन नाउन, भारत का स्विट्जरलैंड, भारत के माइकल, भारत के शेक्सपियर। भारत में तो शेक्सपियर थे नहीं, तो घर घर में रावण है, घर घर में शेक्सपियर अगर है, डांसर बहुत अच्छे हैं, घर घर में माइकल जैक्सन है, तो घर घर में कितने माइकल हो गए। अब ये माइकल प्रॉपर नहीं, कॉमन बिहेव करेगा। इन द सेम फॉर्मुलेशन स्विट्जरलैंड यहाँ कॉमन नाउन है, और आर्टिकल स्विट्जरलैंड के साथ नहीं, उस कॉमन नाउन के साथ है जो कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखना चाहें कि अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया, तो यहाँ आर्टिकल अर्जुन के साथ नहीं है, बिकॉज अर्जुन तो उनका नाम है, तो अर्जुन इज अ प्रॉपर नाउन। लेकिन हाँ, सचिन जिसको दुनिया याद करती है अपने बहुत प्यारे से नाम के लिए नहीं। छोटा सा मजाक करते हैं कि अगर सचिन का नाम कालीचरण होता तब भी इतने ही फेमस होते, क्योंकि लोग उनको उनके नाम के लिए नहीं, शायद अपने काम के लिए जानती है। तो सचिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर सचिन कॉमन नाउन है, और जो आर्टिकल है वो जी हाँ उनके स्किल्स के लिए दिखाया गया है। तो आई होप यू रिमेम्बर, सिर्फ दो ही चीजें एग्जामिनेशन पर्पस से प्रॉपर नाउन से एसोसिएट होती है। पहला कि इनके साथ आर्टिकल नहीं आते, मैं बार बार कह रहा हूं, द यूएसए, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूके और द कपिल शर्मा शो, द मोदी गवर्नमेंट। इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन आप आर्टिकल्स के वीडियो में देखें। थोड़ा बहुत मैंने समझाया था कि ये इनके नाम के लिए नहीं, किसी और चीज के साथ डिस्टिंक्शन रखते हैं, इसीलिए आर्टिकल है। तो डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन, और यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, और हाँ, जब वो नाम अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी की क्वालिटी किसी से कंपेयर करने के लिए, तब उसके साथ आर्टिकल लगाया जा सकता है, बिकॉज वो वहां पर प्रॉपर नहीं, कॉमन बिहेव करता है। सेकेंड थिंग की अगर बात करें तो वो होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ समथिंग। जनरली अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई 50 लोग वहां रहते हैं, तो ये कॉमन टर्म है, 50 लोग, 50 पीपल लिव देयर। एंड यू से पीपल, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉमन नाउन, कॉमन तौर पर है, कई लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन अगर मैं कह दूं 50 लोगों का परिवार वहां, तो यू से रहता है, नॉट रहते हैं। जनरली कलेक्शन किसी भी चीज का दिखा देना उसे कलेक्टिव नाउन में बना देता है। तो कलेक्टिव नाउन जनरल तौर पर कई कॉमन नाउन के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसा मैंने आपसे अभी हिंदी में कहा कि 50 लोग वहां रहते हैं, लेकिन 50 लोगों का परिवार वहां रहता है, तो 50 पीपल, पीपल इज कंसिडर्ड एज अ कॉमन नाउन। लेकिन फैमिली, तो फैमिली अपने आप में कई सदस्यों से मिलकर बनती है, एक इंसान कभी फैमिली नहीं बना सकता, इसीलिए उसे परिवार कहा जाता है और फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। इन द सेम फॉर्मुलेशन कोहली जहां अकेले प्रैक्टिस करते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब 11 लोगों के साथ मैदान में उतरते हैं, फिर कोहली नहीं कहा जाता, फिर उन 11 लोगों को टीम कहा जाता है। जनरली किसी भी चीज के कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। एक जानवर यहां से गया, एक और उसके पीछे, एक और उसके पीछे, और 100-150 जानवर जब एक एक दूसरे के पीछे चले गए, तो शायद उसे कलेक्टिव नाउन के तौर पर झुंड कहा जाता है, अ हर्ड ऑफ एनिमल्स। तो ऐसे कई शब्द हैं जो कि कलेक्शन में आते हैं। अगर एक इंसान जो जजमेंट देने लायक है उसे जज कह दीजिएगा, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहां 5 लोग बैठे हुए थे। अब व्हेन यू से कि 5 लोग थे, तो फिर उन्हें जज कहना नहीं, इंडिविजुअली एक एक को जज कहा जा सकता है, पांचों की बात करें तो शायद उसे ज्यूरी कहा जाता है। तो इसके साथ दो खास बातें जुड़ती हैं, जैसा कि आप कभी भी देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन जब तक जुड़ी हुई है तब तक उसे सिंगुलर माना जाता है, और जैसे ही आप उसमें डिविजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब वो कलेक्टिव नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेती है।
A collective noun is considered singular in case of unity. A collective noun, generally noun of multitude, is taken as plural in case of division. जैसे इसी बात से समझते हैं भाई, हम लोग घर में रहते हैं, हमारे 50 लोग घर में हैं। एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकती है डिवीजन और यूनिटी के तौर पर। जब 50 लोग घर पर रहते हैं तो परिवार एक रहेगा। बीच में कुछ भी झगड़ा हुआ, अब चाचा जी अलग रहते हैं, मामा जी अलग हैं, भाई ताऊ जी वहां रहते हैं, हम लोग यहां रहते हैं और वो वहां रहते हैं, अब शायद परिवार एक नहीं बचा। एक चाचा जी का परिवार, एक उनका उनका, और शायद 4 से 5 परिवार हो गए। मैं इंटरव्यू देने कहीं पहुंचा और 5 लोगों का एक ही मत था कि आप बहुत अच्छे हैं, कल से ज्वाइन कर सकते हैं, तो शायद वो डिसीजन एक रहा होगा। लेकिन मान लीजिए किसी कारण उनमें से 2 लोग कहें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और 3 लोग कहें कल से शक्ल मत दिखाना अपनी, तो उस केस में शायद उनके अंदर डिविजन आ गया, उनके मत भेद हो गए हैं और डिविजन और उनका जो ओपिनियन था वो अलग अलग था। तो ग्रामर यही बात फॉलो करती है कि जब सबका मत एक है तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी टेकन सिंगुलर, लेकिन अगर सबका मत अलग अलग है तो शायद उसे आपको प्लूरल ही कंसिडर करना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कलेक्टिव नाउन की एरर बड़ी फ्रीक्वेंटली रिपीट होती रहती हैं, लेकिन जैसा कि हम उसके शक्ल को देखकर चलेंगे, टीम के साथ भी इज आना चाहिए तो टीम के साथ आर भी आ सकता है, ज्यूरी के साथ इज भी आ सकता है, ज्यूरी के साथ आर भी आ सकता है। ग्रामर आपको अभी समझाई कि जब वो जज एक मत रखते हैं तो उसे आप सिंगुलर मान लीजिए, और जब उनका मत अलग अलग हो सकता है तब उसे वहां हमेशा प्लूरल माना जाएगा। 50 लोगों का परिवार, परिवार क्यों? जरा इसी एग्जांपल से देखें कि अभी आईपीएल जब चलता है और आईपीएल से पहले वही 11 लोग जब एक टीम में खेलते हैं तो टीम एक कही जाती है, भारतीय टीम। कोहली भी उसी में है, रहाणे भी उसी में है, युवराज भी उसी में है, ईटीसी, सारे प्लेयर्स उसी में खेलते हैं। लेकिन जब आईपीएल आता है, जब आप उसे बांट देते हैं, तब कोहली कहने से आरसीबी नजर आती है, एक अलग टीम है। वही रहाणे कहने से राजस्थान नजर आती है, शायद एक अलग टीम हो गई। दिनेश कार्तिक कोलकाता को रिप्रेजेंट करते हैं तो शायद तीसरी टीम है, चौथी टीम में वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। मुंबई से सचिन खेलते हैं, दिल्ली से सहवाग खेलते हैं, अब वही सचिन और सहवाग जो एक टीम के मेंबर हुआ करते थे, एक रिप्रेजेंटेशन, टीम जीत गई, भारतीय टीम सब जीत गए। अब हो सकता है कि सचिन जीते हों, सहवाग हार गए हों, या फिर कोहली जीत गए थे और शायद यहां से क्रिस गेल ने उनको हरा दिया हो। तो जनरली जब टीम एक है उसे सिंगुलर कहिएगा, कलेक्टिव नाउन अक्सर सिंगुलर मानी जाती है, लेकिन अगर वही टीम डिवाइड हो जाती है तो अब वो एक कहां, 8 टीम हो गई, और इसी के नाते उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आनी चाहिए। जरा इसी बात को एग्जाम्पल से देखते हैं। द ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन और देयर डिसीजन यूनानिमसली। जनरली जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी है या ग्रामेटिकली चीजों को नहीं देखता है, ऐसा हमारा आजकल का माहौल बन चुका है। कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेते हैं और समझते हैं कि जो इधर से टुकड़े भेज दिए, सामने वाले को मीनिंग समझ में आ गया, वही ग्रामर है। ग्रामर बहुत वाइड होती है। जरा देखें तो जनरली सेंटेंस का सब्जेक्ट है ज्यूरी। द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनानिमसली। हमारी नजर में दोनों चीजें सही मानी जा सकती हैं। ज्यूरी कहने से बहुत सारे जज रहे होंगे, और जब ज्यादा जज रहे होंगे तो शायद इनके साथ एडजेक्टिव प्लूरल लिखना कि देयर। हम सब जानते हैं ये छोटी सी चीज, आगे नाउन प्रोनाउन के चैप्टर में आप मुझसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हेल्प कीजिएगा कि ही सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर, शी सिंगुलर फेमिनिन जेंडर, इट सिंगुलर न्यूटर जेंडर, और दे प्लूरल टर्म दिखाता है। इसीलिए द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनानिमसली। पहले उसको देखते हैं यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है सर्व सहमति से, एक मत होकर, एक जुट होकर। तो दिए गए सेंटेंस का मीनिंग है द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनानिमसली। जो ज्यूरी थी उसने अपना डिसीजन सर्व सहमति से, सबकी एक मत होकर अपना फैसला सुना दिया। अब यहां पर जज बहुत सारे रहे होंगे तो हमें से कुछ लोग होंगे जो उसको नो एरर मान सकते हैं। कैसे? कि भाई ज्यूरी देखो, एक जज तो होता नहीं है, ज्यादा लोग रहे थे, इसलिए ज्यूरी के साथ देयर लिखना, क्योंकि सब अलग अलग थे, जायज है, लेकिन ये गलत है। ग्रामेटिकली यहां पर देयर की जगह आपको इट्स करना होगा, जैसा कि अभी आपको सजेस्ट किया था। परिवार एक है, भले ही उसमें 50 लोग क्यों ना रहते हो, और परिवार का फैसला एक रहेगा। टीम में 11 लोग क्यों ना खेलते हों, लेकिन फैसला एक ही रहेगा। अगर इस बार हम बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि सचिन और सहवाग बैटिंग करेंगे, कोहली को वहां पर फील्डिंग के लिए आना पड़ सकता है। बैटिंग है तो सबकी बैटिंग ही रहेगी, यानी फैसला अगर जब तक वो जुड़े हुए हैं तब तक एक ही माना जाता है। तो एज इट इज
the jury made their decision unanimously गलत है. You have to say the jury made its decision unanimously. जब तक एक मत आप हैं, जब तक आप जुड़े हुए हैं, आपका फैसला भी एक रहेगा. लेकिन हमेशा मैं आपको रेकमेंड करूंगा लैंग्वेज को एक धागे में पिरोने की कोशिश ना करें कि आपने रट लिया कि इसके साथ यही शब्द आता है, आपकी बात को बाखूबी क्रॉस किया जा सकता है. Have a look at the second example. You can say, मैंने तो घर से रट लिया भाई कि जूरी के साथ हमेशा इट्स लिखा जाना चाहिए. तो मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस. आपने ऊपर सिखाया था कि इट्स आता है जूरी के साथ, मैंने नीचे वापस लिख दिया. लेकिन हाँ, आप सबसे पहले नजर जानी चाहिए डिवाइडेड. जब आपने ज्यूरी को डिवाइड कर दिया है, यानी कि अब मत अलग अलग हो सकता है, डिवाइड हो चुके हैं. इंटरव्यू पैनल में कई बार स्थगित कर दिया जाता है कि आपका थर्ड राउंड भी होगा. क्यों? बिकॉज हम लोग के मन में अभी क्लैरिटी नहीं है. कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जीतना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए. उस केस में जब आपने डिवाइड किया है तो जरूर मत भेद हुआ होगा, और जब अलग अलग मत हैं तो आप वहां पर उसे सिंगुलर नहीं दिखा सकते. कलेक्टिव नाउन मल्टीट्यूड की तरह, मल्टीट्यूड मतलब अलग अलग मत रखने के लिए, प्लूरल बिहेव करती है. तो वही फर्स्ट सेंटेंस में जहां जूरी को सिंगुलर मानकर, बिकॉज सब सहमति से थे, सिंगुलर माना गया, सेकंड स्टेटमेंट में डिवाइड होते ही आप वॉज नहीं लिख सकते, आपको इसको प्लूरल बनाना होगा. तो फर्स्ट करेक्शन, द जूरी वर डिवाइडेड. और अगर आप फिर घर से रखकर आए हैं कि जूरी के साथ हमेशा इट आता है, तो आपको अपना ओपिनियन चेंज करना होगा. जैसे ही मतभेद हुआ, डिवाइड हो गई, और डिवाइड होकर ज्यादा मत रहे होंगे, यू हैव टू से इन देयर ओपिनियंस. शायद क्लियर हो, वापस सुन लीजिएगा. जब जूरी एक मत है, सिंगुलर सेंस रखे. जब जूरी डिवाइड हो चुकी है, उसे आप प्लूरल फॉर्मुलेशन में रखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, द पुलिस हैज और हैव अरेस्टेड द थीफ. पुलिस कहने से एक बॉडी नजर आती है, लेकिन शायद हम भी जानते हैं प्रैक्टिकली कि पुलिस कभी एक बॉडी नहीं है. पुलिस पूरे ग्रुप को कहा जाता है, सभी पुलिसमैन हैं. अब अगर पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, तो इस सेंटेंस में पुलिस एक जगह खड़ी होकर आपको चारों तरफ से नहीं घेर सकती. आर्मी तैनात है देश की सुरक्षा के लिए, तो आर्मी एक जगह खड़ी होकर देश की सुरक्षा नहीं कर सकती. ठीक वैसे ही जब पुलिस ने किसी को पकड़ा होगा, तो एक इंसान जाकर उसको पकड़कर नहीं लिया जाता. पुलिस जब भी रहती है, अक्सर अपने ग्रुप के साथ रहती है, और पुलिस का काम हमेशा ही सेपरेटेड है. एक जगह कोई काम करता है, कोई दूसरी जगह पर है. जब किसी शहर में सीएम और पीएम आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी पुलिस अपने थाने में बैठकर उनको कवर कर लेती है कि भाई हमने सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है और हम पूरे देश को, पूरे शहर को सुरक्षा दे सकते हैं. लेकिन यहीं बैठकर हम सब जानते हैं कि जब किसी शहर और देश जगह पर कहीं सीएम और पीएम आते हैं, कोई बड़ी पर्सनालिटी आती है, तब कुछ पुलिस वाले वहां खड़े रहते हैं, कुछ वहां पर, कुछ वहां पर, कुछ वहां पर, और इस तरह हर जगह की सिक्योरिटी वहीं खड़े होकर प्रॉपर की जा सकती है. पुलिस उन शब्दों में से एक है जिनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, बिकॉज पुलिस अकेला कोई आइडेंटिटी नहीं रखता. हमेशा अपने ग्रुप को दिखाते हैं और अलग अलग काम के तौर पर सेपरेट करके आप अपना काम प्लूरल करते हैं, पूरा करते हैं, सॉरी. इसीलिए द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. वापस दो एग्जांपल लिखना चाहे किसी चीज को सिंगुलर और प्लूरल मानने के लिए, तो मैंने फिर से लिखा, द टीम हैज और हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड द टीम has or have, I mean to say was or were fighting or is or are fighting like street boys. आप कहिए जब टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो हम इसको कलेक्टिव ही तो माने कि भाई सभी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए हम जीत गए. और जब सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, आपने यूनिटी दिखाई है, आपने सबको एक मत होकर दिखाया है, सबको यूनानिमस दिखाया है, और उस केस में यू मस्ट से द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बिकॉज आप सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसीलिए टीम को सिंगुलर माना गया. लेकिन भाई देखो जरा उन टीम वालों को कैसे लड़ रहे हैं, जैसे कि बच्चे लड़ते हैं, गली के बच्चे लड़ते हैं. और जब आप लड़ रहे हैं, शायद आपका मत अलग अलग रहा होगा, शायद आपकी सोच में डिविजन आया होगा. और जब आप डिवाइडेड हैं, यू मस्ट से द टीम आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज. आई होप यू अंडरस्टैंड. कलेक्टिव नाउन दो फ्रैक्शन रखती है. शायद आपको परिवार और टीम के एग्जाम्पल से ये बात हमेशा याद रहे कि जब तक वो जुड़े हुए हैं, एक हैं, और जब उन्हें विभाजित कर दिया जाता है, दे स्टैंड प्लूरल. शायद हमारे देश के बारे में भी एक कड़वा सच कहा जा सकता है. कई साल पहले अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान और ये सब हमारा ही तो हिस्सा था, और ये देश एक था. 1947 में जब आपने बांटा, तो आज देश दो है. प्लूरल वर्ब तो है, लेकिन कब? जब आपने उन्हें डिवाइड कर दिया. अगर जुड़े हुए होते, तो शायद एक ही देश कहा जाता. दिस इज ऑल अबाउट
प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ध्यान रखिएगा प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेती, कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब रखती है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को कॉमन बिहेव कराया जाता है तब उसके काम के लिए ना कि नाम के लिए आर्टिकल रखा जा सकता है। सिमिलरली जब कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर दिया जाए, जिसे कई राइटर्स नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं, उस केस में उसके साथ प्लूरल वर्ब आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउन एंड नंबर। कई शब्द जो देखने में सिंगुलर लगते हैं प्लूरल होते हैं, कई शब्द जो देखने में प्लूरल लगते हैं सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, प्लूरल फॉर्मुलेशंस, ईटीसी। वी विल हैव अ लुक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।